हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहिनी शर्मा। वेलकम टू ई साइंस जोन द स्टडी चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। तो जो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस है, उसको सबसे पहले 1859 के अंदर जिगेनबर्ग ने एक अलग फाइला के अंदर क्लासिफाई किया था। सबसे पहले 1815 से पहले तक प्लेटीहेलमिंथिस एंड एस्किहेलमिंथिस, इन दोनों को एक ही फाइला के अंदर इंक्लूड किया जाता था। इसके अंदर टोटल 1859 के अंदर जिगेनबर्ग ने एक अलग फाइला के अंदर क्लासिफाई किया, जिसके अंदर अराउंड 13,000 स्पीसीज पाई जाती है। एंड प्लेटीहेलमिंथिस को एक नाम से और प्रोनाउंस किया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लैटवॉर्म। प्लेटीहेलमिंथिस को बोलने का रीजन इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि जो फ्लैटवॉर्म का मतलब है कि इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होने के कारण इनको फ्लैटवॉर्म बोलते हैं। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले फाइला के बारे में जानने से पहले उसका हैबिटेट देखते हैं, कि उसका हैबिटेट कैसा होता है। तो जो प्लेटीहेलमिंथिस है वो मेनली पैरासाइट्स होते हैं। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स फ्री लिविंग होते हैं। पैरासाइट्स नेचर होने के कारण ही इसकी आगे क्लासेस को डिवाइड किया गया था। सिमेट्री, नॉर्मली हम इससे पहले जितने भी फाइला पढ़ के आए हैं उसके अंदर या तो एसिमेट्रिक, बायरेडियल या बायलेटरल सिमेट्री पढ़ के आए हैं, तो सेम इस केस के अंदर बाय प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बायलेटरल स्मृति देखने को मिलती है, जिसमें एक प्लेन से काटने पर ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। थर्ड पॉइंट इसकी जर्म लेयर्स। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसके अंदर थ्री जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। तीनों जर्म लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन सिलोमिक कैविटी अब्सेंट होने के कारण इसको एसिलोमेट्स बोलते हैं। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर अब्सेंट होता है। ये प्लेटीहेलमिंथिस की बॉडी है, ठीक है, ये इसका ऑर्गन की लेयर है, ये इसकी बाहर की कवरिंग है। ऑर्गन की लेयर्स के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में और बाहर की वॉल के बीच में कनेक्टिव टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है प्लेटीहेलमिंथिस में, और ये कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर होती है ये पैरेन्काइमा कहलाती है प्लेटीहेलमिंथिस में, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ये कंप्लीटली अब्सेंट नहीं होता। इसके अंदर पैरेन्काइमा के अंदर एक लिक्विड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, और ये लिक्विड मटेरियल कहलाता है हाइड्रोस्केलेटन। पैरेन्काइमा के अंदर एक लिक्विड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, इसी को इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है, और ये लिक्विड हाइड्रोस्केलेटन होता है, ठीक। मैंने पहले बताया था इसके अंदर पावर ऑफ रिजोल्यूशन होती है, तो इसमें प्लेनेरिया ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू रिजोल्यूशन की पावर को शो करता है।
ठीक। एट्थ करेक्टरिस्टिक के अंदर प्रोटोन या फ्रीडिया होते हैं जो इसके एस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नाइन्थ करेक्टर, इनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक बिहेवियर को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। प्लेटेलेमेंट्स में एग्जांपल है फेशियोला हिपेटिका, टेनिया जिसको टैपबॉम बोलते हैं, प्लेनेरिया, ये मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है प्लेटेलेमेंट्स के। इसके बाद में हम हर एक एग्जांपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कैसे होती है, वो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मतलब इसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर टेनिया सोलियम को छोड़ के पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट टाइप का होगा, मतलब इसके अंदर लार्वा स्टेज आती है। इसके कुछ लार्वा है फर्स्ट मिकीडियम लार्वा, सेकंड ऑनकोफोर लार्वा, थर्ड एग्जेंस्थ लार्वा एंड लास्ट स्ट्रेटोसिस्ट लार्वा। तो ये लार्वा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लेटेलेमेंथिस देखने को मिलते हैं, मिर्किडियम, ऑनकोफोर, एग्जेंट एंड स्ट्रेटोसिस्ट लार्वा। करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, इस थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइड करने का इसका जो रीजन था वो इसके हैबिटेट से रिलेटेड। फर्स्ट एरिया, सेकंड ट्रीमेटोडा, थर्ड इज टोडा। ये थ्री क्लासेस थी जिसके अंदर प्लेटेलेमेंथिस को क्लासिफाई किया गया। ट्रिबुलेरिया जो क्लास थी उसके अंदर जितने भी फ्री लिविंग प्लेटेलेमेंथिस थे, फ्री लिविंग, उनको रखा गया। ट्रिमेटोडा के अंदर जितने भी एंडो एंड एक्टो पैरासाइट थे उनको रखा गया, एंड सिस्टोडा के अंदर जो सिर्फ एंडो पैरासाइट उनको रखा गया। तो ये थ्री क्लासेस थी जिसके अंदर प्लेटेलेमेंथिस को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ट्रिबुलेरिया के अंदर डिगेशिया जिसको प्लेनेरिया भी बोलते हैं, प्लेनेरिया इसके अंदर रखा गया। टिमेटोडा जो क्लास है उसके अंदर हिपेटिका को रखा गया, एंड सिस्टोडा क्लास के अंदर टेनिया, टैपवॉर्म को रखा गया। तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन था प्लेटेलेमेंथिस के करेक्टर्स के बारे में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एशिया का जिसको ट्रिबुलेरिया क्लास के अंदर रखा गया था, एशिया या फिर प्लेनेरिया, इसकी क्लास है ट्रिबुलेरिया। ट्रिबुलेरिया क्लास के अंदर रखने का इसका रीजन था इसका फ्री लिविंग हैबिटेट,
फ्री लिविंग हैबिटेट। जो प्लेनेरिया है उसके अंदर एक प्रोसेस होती है ऑरिक्यूलर प्रोसेस, ऑरिक्यूलर प्रोसेस और इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया के अंदर सबसे हाई होती है, मतलब कि इसके एक बॉडी पार्ट से कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर सकता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑरिक्यूलर प्रोसेस। और हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होने की वजह से ये अपने जो लास्ट पार्ट है या टेल पार्ट है उससे कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर एग्जांपल आता है टेनिया का, इसको टैपवर्म बोलते हैं, टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम। इसको सिस्टोडा क्लास के अंदर रखा गया, सिस्टोडा क्लास के अंदर। और सिस्टोडा क्लास के अंदर रखने का रीजन था इसका हैबिटेट कि ये सिर्फ एंड सिर्फ एंडोपेरासाइट होता है, एंडोपेरासाइट मतलब कि ये बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करेगा, होस्ट बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करेगा, उसके सरफेस के ऊपर ये पेरासाइट की तरह बिहेव नहीं करता। तो इसके अंदर जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट वो होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके लिए प्राइमरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट इसके इसके अंदर पिग होती है। तो जो टेनिया सोलियम है वो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन को अपना प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट पिग को बनाता है। अब हम बात करते हैं फेशियोला हिपेटिका की। जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है हिपेटिका मतलब ये वो प्लेटियल ग्रंथिस है जो लीवर के ऊपर अटैक करते हैं। और किन के लीवर के ऊपर? शीप्स एंड गोट्स के लीवर के ऊपर ये एज ए प्राइमरी होस्ट की तरह रहते हैं, प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट इसका मोलस्का होते हैं, सेकेंडरी होस्ट मोलस्का। और मोलस्का में भी पर्टिकुलरली स्नेल्स। ठीक है, सेकंड टेनिया सोलियम, इसको टैप बॉम्ब बोलते हैं। ये मेनली इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन के ऊपर, ह्यूमन इंटेस्टाइन के ऊपर ये इफेक्ट करते हैं और ह्यूमन इंटेस्टाइन का प्राइमरी होस्ट होते हैं। सेकेंडरी होस्ट इनमें पिग होते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट का मतलब क्या है? इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फेशियोला हिपेटिका के अंदर वो इनडायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट टाइप मतलब इसके अंदर लार्वा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो अडल्ट होते हैं वो ऐसे प्राइमरी होस्ट की तरह बिहेव करेंगे, जो सेकेंडरी होस्ट है वो लार्वल फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर जो लार्वा स्टेज देखने को मिलती है वो मिकेडिया एंड हेक्सासाइंथ ये देखने को मिलती है। ठीक है, ये है टेनिया की और ये फेशियोला। ठीक, तो ये आपके इंफेक्टेड प्लेटियल मेंटिस से जो शिप कोड्स को इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन ह्यूमन के इसको इफेक्ट करते हैं और इनके प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट पिग और स्नेल्स होते हैं। टेनिया सोलियम के बारे में, टेनिया सोलियम इसको टैप वॉर्म बोलते हैं, टैप वॉर्म। यहां पर सर्कस प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी से
ब्लड को सक करने में हेल्प करते हैं, एक इसके डोर्सल साइड में, एक इसके वेंट्रल साइड में, दो लेटरल साइड में। यहां पर हुक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हुक्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसका जो अपर पार्ट होता है वो कहलाता है रोस्टेलम। रोस्टेलम ये इसके सक्कर पार्ट होते हैं, एंड इसके इस पार्ट को बोलते हैं स्कोलेक्स। यहां से इसका टेल रीजन स्टार्ट होता है, टेल रीजन, एंड यहां से प्रोग्लोटिस स्टार्ट होते हैं, प्रोग्लोटिस। जैसे जैसे ये लोअर साइड में जाते हैं, ये प्रोग्लोटिस लोअर साइड में जाते हैं, वैसे वैसे ये मैच्योर होते हैं। यहां के जो फर्स्ट प्रोग्लोटिस होंगे उनको बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिस, इमेच्योर प्रोग्लोटिस। बीच के जो प्रोग्लोटिस होंगे वो मैच्योर होंगे, एंड लोअर ग्रेव्ड प्रोग्लोटिस होते हैं। ठीक है, तो ये था टेनियस ओलियम, जिसके अंदर प्राइमरी जो होस्ट होता है वो है ह्यूमन इंटेस्टाइन, सेकेंडरी होस्ट इसके अंदर रहता है पिग, ये एक हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, तो ये था टेनियस ओलियम के बारे में। सेकंड बात करते हैं हम फेशियोला हिपेटिका के बारे में। ये जो हिपेटिका वर्ड है ये इसके लिविंग पैटर्न से रिलेटेड है। हिपेटिका वर्ड नॉर्मली हम लिवर के लिए यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो प्राइमरी होस्ट होता है ये वो होता है शीप एंड गोट के लिवर के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट ये होता है मोलस्का में, मोलस्का में भी पर्टिकुलरली स्नेल्स के अंदर ये अपना सेकेंडरी होस्ट का जो बिहेवियर है वो शो करता है। सेम टेनियस ओलियम की तरह ये भी हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है, लेकिन सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉमन जेनाइटल पोर होता है, कॉमन जेनाइटल पोर, इसका वेंट्रल सक्कर होता है और इसका लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यह चीज याद रखनी है कि ये स्टार्टिंग के जो प्रोबेबिलिटीज होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, देन उसके बाद में मैच्योर, लास्ट में ग्रेव टाइप के प्रोबेबिलिटीज टेनियस ओलियम के अंदर देखने को मिलते हैं।